फार्म फैमिली ब्लॉग, हम सब ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और क्या कहते हैं, आज हम बना रहे हैं जी पंजाबी स्टाइल में काले चने। मेरी दादू जैसे बनाती थी, तो हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल वैसे ही बने। मैं बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ जैसे हम खाया करते थे। तो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हम कैसे बनाते थे। जब तक हमारे ये चने छीले जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और थोड़ा लहसुन और मसाला वसाला पीसूँ और फिर हम आपसे बात करते हैं जी। मिलते हैं ये जी, हमने चने पीस लिए हैं, और ये है हमारी हरी मिर्चे, अदरक लहसुन, और इनको मैंने यहाँ रखे हैं। ये हम पहले प्याज लाल करेंगे, फिर उसमें डालेंगे वगैरह। प्याज एक कम है, थोड़ा और डाल दें जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, तो बहुत प्याज लगती है। वहाँ बाहर बैठ के कुछ काम करने का सिस्टम नहीं है, और मैं अकेले खड़ी नहीं रहती। तो ये हमारा मसाला भून चुका है, इसमें कुटे हुए चने, अदरक लहसुन, हरी मिर्चें, जो भी आपको घर का मसाला डालते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, जो भी सब कुछ है इसमें, टमाटर। ये अच्छा सा भुन जाए, फिर हम इसमें डालते हैं अपने चने। चने बॉईल बॉईल हैं और अच्छे खासे गले हुए हैं। मैं थोड़े से निकालूंगी, मेरी बेटी चाट खाती है, तो हम माँ बेटी चाट खाएंगे, थोड़े से मैं निकाल लूंगी। और बाकी हम बनाएंगे चने। पीसने का मकसद होता है इसमें, चने जो कूट के या पीस के डालते हैं, कि इसकी जो ग्रेवी होती है ना, वो पतली ना रहे, थोड़ी सी थिक रहे। जैसे आप खानों में गाढ़ापन लाने के लिए कॉर्नफ्लोर डालते हैं, तो हम इनमें कॉर्नफ्लोर नहीं डालते। हम इसमें चने पीस के बारीक करके उनको रगड़ के तो वो डालते हैं। मेरी दादू क्या करती थी, वो सिल पे इनको छिलके समेत रगड़ लेती थी, और फिर इसको पानी में डाल के तो उसको छान लेती थी, तो फिर उसका वो पानी डालती थी, वो उसका छान जो होता था वो फेंक देती थी। तो मैं इतनी अच्छी तरह रगड़ के, तो मैं सारी सारा कुछ बीच मिल जाए, क्योंकि वो रगड़ा जाता है अच्छे से, तो उसमें वो चंक्स नहीं आते उसके। चलो जी, ये हमारा हो गया है, ये आहिस्ता आहिस्ता भुनता जाएगा। और साथ ही मैं चढ़ा देती हूँ चावल। चावल जी हम बनाएंगे तड़के वाले, मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है। एक मिनट, कैमरा। ये जी भुन चुका है, और इसमें हम डाल देते हैं पानी। चने गले हुए हैं, तो बस इसको थोड़ा सा मसाला भी अच्छे से भून चुका है, इसको एक दो तेज गले डालता है, और डन हो जाएगा। नमक थोड़ा सा कम था। मामा, ये वाला केचप मुझे दे दो। अच्छा, एक्चुअली बात यह है, जो केचप मेरे बालों में लगता है वो टूट जाता है। तो तुझे तोड़ना ही है ना। चले जी, मेरे चावलों को भी तड़का लग चुका है, उसमें जीरा चावल भी लगा लिए हैं, और हनी से भूख नहीं बर्दाश्त हो रही, इसलिए मेरी हो गया बहुत। मम्मा, ये भुना हुआ ज्यादा अच्छा लगता है सलाद। ये जब तक होता है, मेरे चावल भी रेडी हो जाए। और ये जनाब, आपको मैं ये बताऊं कि चने जब बॉईल करते हैं, तो ये जब उसका पानी आता है ना,
कि बहुत मजे का होता है, इसमें नमक डाल के आप पिए काली मिर्च डाल के, बहुत मजे का। ओ, तो ये राज है, बहुत हेल्दी है। मैं भी कहूँ मम्मा ने क्यों रखा है, ये इतना मजे का है, ये कभी बना के पिए पीजिएगा, ये बहुत ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इसमें मैंने डाल दिया है जी नमक, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। नानो सरप्राइज एंट्री, सरप्राइज एंट्री, चलिए लीजिए आपको टेस्ट करके बताती है जरा इसका। कौन सा मुझे पसंद है, पता नहीं और किसी को पसंद होगा नहीं, बहुत मजे का है। अच्छा जी, तो हम अपने चनों में भी ये थोड़ा सा डालते हैं, इट्स लाइक सो, इसमें हम इमली का पानी भी डालेंगे। जी गाइस नानो आ गई है, हाँ मैं वो चटनी भी बनानी है। झाड़ू लगाओ जल्दी से, अच्छा दे दो बैठना पड़ेगा, मैं नीचे बैठ सकती हूँ, मैं पीस के दे दूँ, मैं पीस के दूँ, जो पड़ा था वो खा गए ये भूखर। चलो बस फिर चावल भी हो गए, ये हमारे चावल भी बस ऑलमोस्ट डन है, उनको मैं कवर नहीं करूंगी। क्यों हो गया तेज आंच पे जल्दी, मुझे लगता है पानी ज्यादा हो गया। ओह वाओ ये तो उबल गया, अब आंच इसकी कर देते हैं थोड़ी सी स्लो। एक रोहिणी को सही करो, जो है ना शोरबा इसका बड़ा पसंद है, इसका कलर कितना अच्छा आया है इसका, इसी की इसमें मैंने मिर्ची को वाली डाल दिया। मैं हनी को बुला के लाऊं, ये गली में चला गया। ये जी हमारा धनिया पुदीना और उसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ, लहसुन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये दो से तीन चम्मच डाल रही हूँ, और मिर्ची में सिर्फ एक डालूंगी ये छोटी वाली, और इसके भी बीज निकाल के डालूंगी। अभी से ना इतना है, उप्स सीधे जी, तो ये ले जाओ जी चाहिए मुझे। मामा और क्या चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, अंधेरे में कैमरा क्वालिटी कितनी डल आ रही है, नजदीक आओ ना। अभी हम ये इनको अच्छे से रगड़ लेते हैं और फिर हम लास्ट में डालेंगे टमाटर, मिलते हैं आपको थोड़ी देर। ये मेरी अक्लमंद बेटी ने सालन वाला चावलों में डाल दिया, चुप हो जा नानो ने सारा गुस्सा उतारना है अभी मेरे पे। इधर 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 देखिए जी मेरे सामने, कितना प्यारा कलर आया है, मुझे चावलों की शक्ल दिखा, चावलों की क्या शक्ल, अंदर साथ ही इसके लाती हूँ और डालती हूँ। अच्छे
Be careful. बच्चों ने ना तो हनी तो खाएगा सादे चावल, ये अनीसे के लिए अनीसे खाने के लिए, और यहाँ तो शोरबा खाता है बड़े शौक से, यहाँ चने नहीं खाता। आज तो मेरी बोटी ले लो, बोटी दे दो ना, यहाँ चने नहीं खाता। हाँ मिर्चा दा इस तो कि मैं ओ वालियां पाइयां ले अपनिया बोल रखते हैं सरन का सही तो है। अभी ये खाएगा हम, मटर नहीं खाने मको, गुस्सा आ गया। ओए थोड़े से है ना, मटर पाला नहीं आती तो चंगा चंगा कर ले, मैं करवा देते हैं वो दो प्लेट, वो नानू कह रही है उसमें ना और बिना बस। उसने मुसीबत डाली भी है भाई, ये बच्चों से छुपा रही हूँ मैं, किसी बच्चे ने खा लिया तो जान ही जा क्या। अब जाओ खाना खाओ। क्या मम्मा? हरा प्याज। क्यों जान साहब में क्यों है? क्योंकि वो अलीजे के हैं। हाँ ये बात है। और अगर मेरे बच्चों ने खा लिए वैसे मम्मा जी आपने इसमें वो डाला है, मेरी कश्मीरी मिर्च है उसका कलर नहीं, वो तो नहीं डाला जो कनौर सूप का वो होता है, क्या होता है वो जो सूप बनाने के लिए डालते हैं ना स्पंज टाइप का, जी नहीं क्या कहते हैं उसको, कॉर्नफ्लावर नहीं, चिली सॉस नहीं, दिमाग खराब है क्या? हमारा क्यूब करके कुछ होता है, चिकन क्यूब। हाँ नहीं मैंने कुछ भी डाला, तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी कैसे है? खाना खाओ, किसको चटनी चाहिए? मैं अब इतनी कुट लगा दूंगी ना कि याद ही करो। क्यों क्यों मुझे बयान देंगे ना। चलो जी तैयार, चलो गाइस मिलते हैं आपको, हम भूख बहुत लग रही है, खाना खा ले, टाइम बहुत ओवर हो गया है। बाय बाय टाटा, मिलते हैं आपको खाने के लिए। बाय बाय, खाना पीना हो गया है, जरा हम बर्तन से जल्दी समेट लें, आज छुट्टी है तो आज जरा हम नानों को रेस्ट देते हैं। स्पीड मारो स्पीड मारो। बच्चों का खाना पीना हो गया सारा? जी। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं इस पर? इलियान का तो पता नहीं, हनी ट्री का टेबल कर रहा है। हाँ टेबल कर रहा है। चल जी, हमारे दो भांडे भी तो पके। और ये हनी साहब को मुझे लगता है एक डोज देनी पड़ेगी टाइम वाली। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में जी, चैनल को लाइक करें शेयर करें।